हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सम विभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सम विभव पृष्ठ, छोटा सा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है। हर साल एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई कैसे जाती है। ठीक है, इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। देखिए, नाम से पकड़ में आ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसी सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, एक समान हो। ऐसी सरफेसेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल विभव का मान समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन बन रही है नाम से ही। ऐसी सतह, ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, सम विभव पृष्ठ कहलाते हैं। देखिए कैसे। ये एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस है r, ये इधर से भी ये आएगी r, ठीक है। हर जगह इस स्फीयर की रेडियस r r r आ रही है। इधर भी r है, ये भी r है। आप ये बताइए इस स्फीयर के इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। गोले के कारण विभव हमने निकाला हुआ है, कितना आया था, KQ/R, ये दूरी। तो इस गोले के इस पॉइंट पर विभव होगा, सतह पर ये है, गोले के सतह पर होता है KQ/R, ठीक है। इस जगह भी कितना, गोले की सतह आ रही है, V बराबर KQ/R। यहां भी कितना है, और यहां भी कितना आ रहा है, इस स्फीयर का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। इस स्फीयर पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल समान मिलेगा। इस स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल आपको एक समान मिलेगा। तो ये जो सरफेस बन के आ रही है स्फेरिकल, ठीक है, ये जो सरफेस होती है, ये सरफेस कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ। ये जो सरफेस होगी, ये सरफेस कहलाएगी आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज, सम विभव पृष्ठ, ठीक। अब अगला देखिए, प्रत्येक जगह पोटेंशियल समान है। अब बिल्कुल इसके ये एक सरफेस और बना दी,
ये दूरी मानी मैंने यहां से यहां तक की दूरी, नई डिस्टेंस हो गई है अब ये, ठीक है। ये डिस्टेंस मानी मैंने आर वन, तो यहां पोटेंशियल मिलेगा के क्यू अपॉन आर वन। अगर इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस आर वन है, यह डिस्टेंस भी कितनी आएगी आर वन ही, तो यहां पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर वन। यह डिस्टेंस भी कितनी आई आर वन, तो यहां पर भी पोटेंशियल मिलेगा के क्यू अपॉन आर वन। इसी तरीके से मैंने एक सरफेस और बना दी है, ठीक है। इस सरफेस, ये जो बाहर इसके एक और सरफेस बनी है, इसके भी प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल समान आ रहा है, इसके भी प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल समान आ रहा है के क्यू अपॉन आर वन। तो ये भी क्या हो गई, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। इसी तरीके से अगली बना लीजिए, ये लीजिए, ये जो नई डिस्टेंस आएगी इसे देखिए आप, अब ये आर टू ले लीजिए तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर टू। तो ऐसी सरफेसेस जिनके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, वो सरफेसेस क्या कहलाती है आपकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। ऐसी सतह है जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। जैसे मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया, एक सोर्स चार्ज, इस बिंदु आवेश के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनती है वो कैसी बनती है, स्फेरिकल। तो एक बिंदु आवेश किस टाइप की सरफेस बनाएगा, किस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा, स्फेरिकल। इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बिंदु आवेश द्वारा समविभव पृष्ठ का निर्माण कीजिए, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस का निर्माण कीजिए, तो एक पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश किस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ का निर्माण करेगा, स्फेरिकल। इस तरीके से एक के बाद एक, एक के बाद एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बनती जाती है, जो कि आपस में क्या है, बहुत ही कम दूरी पर एग्जिस्ट करती है और पैरेलल होती है। ये आपस में क्या चल रही है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है, इसलिए इन सरफेसेज को हम इक्विपोटेंशियल्स भी बोलते हैं, इन्हें हम इक्विपोटेंशियल्स भी नाम देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज को। क्यों, क्योंकि ये सब के सब क्या चल रही है, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, ये सारी की सारी बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। अब चूंकि अगर ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, तो हम इनको पूरा इस तरीके से बनाने की बजाय पैरेलल सरफेस के रूप में भी इन्हें हम बना सकते हैं। ये पूरा हिस्सा लेने के बजाय मैंने एक इस स्फेयर का एक आर्क ले लिया, ठीक है, पूरा हिस्सा लेने के बजाय हमने स्फेयर का एक आर्क ले लिया है, तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। ये एक सरफेस जिसका पोटेंशियल माना वी वन, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल वी वन ही रहेगा। अब ये दूसरी सरफेस आ चुकी है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल समान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरी सरफेस बन चुकी है, एक ही सरफेस का पोटेंशियल समान रहेगा। ये सरफेस है तो इसका पूरा पोटेंशियल यही रहेगा। जैसे ये सरफेस बनाई मैंने, इस पूरे का पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर है। ये दूसरी बनाई है, इस पूरे का पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर वन है। ये तीसरी बनाई है, इसका कितना है, के क्यू अपॉन आर टू है। तो इसका पोटेंशियल वी वन, इसका वी टू, इसका वी थ्री, इस तरीके से हम इनको मान लेते हैं। ये आया वी फोर। इस तरीके से एक के बाद एक
इक्विपोटेंशियल्स बनते जाते हैं। इस तरीके से हम एक के बाद एक इक्विपोटेंशियल बनाते जाते हैं। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल हमने बना दिया, अब यहां पर अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? इक्विपोटेंशियल हमने बना दिया है, इस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कैसे होगा? तो इसके लिए एक रिलेशन याद रखिए, इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री चलेगा हमेशा। ठीक है, एक इक्विपोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल के बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज ऑलवेज नाइन्टी डिग्री। हमेशा इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का एंगल चलेगा। कैसे? अब देखना, ये बनाया मैंने किसी तरीके से भी, कैसे भी बना लो आप, ये लो। सही बना देता हूं मैं, ये हमने थोड़ा सा डायग्राम सही बना के लेता हूं एक मिनट। ये हमने कोई इक्विपोटेंशियल ड्रॉ की है, ठीक है, ये पहली सरफेस है, इस पे वोल्ट पोटेंशियल मिला 120 वोल्ट का, इस पे पोटेंशियल मिला 100 वोल्ट का, 80 वोल्ट का और 60 वोल्ट का। अगर मेरे को इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं एक लाइन लगाऊंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है। ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, बिल्कुल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एरो किधर लगेगा? इस तरफ की इस तरफ। ये एक मैंने लाइन बनाई है अभी, जो कि इस सरफेस के बिल्कुल क्या चल रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर चल रही है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए चल रही है। अब आप ये बताइए, एरो इधर लगेगा कि इधर? पीछे ही मैंने बताया है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलती है पोटेंशियल के घटने की डायरेक्शन में। जिस तरफ पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उस तरफ चलती है। 120, 100, 80, 60, इस तरफ जाने पर पोटेंशियल घट रहा है, तो इस डायरेक्शन में ये एरो लगेगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। कई तरीके से इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है, पीछे वाला रिलेशन था, ठीक है,
जो हमने पीछे बताया था ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है, उसी को हमने फॉलो किया है। माइनस साइन का जो मीनिंग मैंने पीछे शो किया था वही था। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, या पोटेंशियल के घटने की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से होती है। पोटेंशियल का घटने की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। इस तरफ जाने पर पोटेंशियल घटता है, तो ये डायरेक्शन आपकी किसकी मिलेगी आपको, यहां पर ये वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज ऐसे सरफेसेज जिनके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है एक समान रहता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कहलाती है। एक पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेसेज बनेगी स्फेरिकल, बहुत सारी बना सकते हैं, ये नहीं है एक चार्ज के कारण एक इक्विपोटेंशियल बनेगा, नहीं, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल्स बन सकते हैं एक शॉर्ट चार्ज से, एक सिंगल चार्ज से बहुत सारे बन सकते हैं, वो कैसे होगी स्फेरिकल, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलती है, ठीक है, आई बात समझ में। अब लाइन चार्ज लीजिए, ये बनाया मैंने लाइन चार्ज, रेखीय आवेश, ये रेखीय आवेश, इस लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल कैसा बनेगा, इक्विपोटेंशियल मींस प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहना चाहिए समान, वो तभी रहेगा जब दूरी क्या रहे, ये जो आर है ये समान रहे पॉइंट से। तो ये देखिए यहां पर ये आया, ठीक है, सिलेंड्रिकल, एक लाइन चार्ज रेखीय आवेश के कारण इक्विपोटेंशियल बनेंगे बेलनाकार, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल्स बन के आएंगे। ये डिस्टेंस देखिए यहां से, हर जगह से देख लीजिए, चाहे आप यहां से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए, ये डिस्टेंस देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, किधर से भी आप बना लीजिए, बिल्कुल समान एक जैसे बन के आ रही है, ये दूरी समान है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा। इसलिए एक लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल होता है सिलेंडर। कितना सिलेंडर बनाया अभी, एक, क्या और इक्विपोटेंशियल बनाई जा सकती है इसी लाइन चार्ज के कारण, बिल्कुल बनाई जा सकती है। देखिए ये दूसरी की पोटेंशियल देख लीजिए आप, ये दूसरी की पोटेंशियल आ गई जो कि इस लाइन से क्या है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे चलेगा, ये दूसरी की पोटेंशियल। इसी तरीके से ये अगली की इक्विपोटेंशियल बना दीजिए चाहे आप, ये तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल्स बनेंगे वो स्फेरिकल बनेंगे, लाइन चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल्स जो ड्रॉ होंगे वो बन के आएंगे आपके सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब अगला देखिए,
एक सीट है, ठीक है। इस सीट से यह चला इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सीट से यह हमें मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आपको बताना है इक्विपोटेंशियल कैसा होगा, एक सीट के कारण इक्विपोटेंशियल कैसा बन के आएगा। बिल्कुल अभी मैंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इन लाइंस पे एक लाइन इस तरीके से डालिए जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये देखिए, ये बिल्कुल 90 डिग्री आगे आ रही है। तो ये बन जाएंगे इसके इक्विपोटेंशियल्स। ये है पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पोटेंशियल। इस तरीके से हमें बनाना है। जब भी आपको इक्विपोटेंशियल बनाना पूछा जाए तो आप एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है 90 डिग्री का एंगल। जैसे ये एक सीट थी, इस सीट पे जैसे मेरे को आपको क्या बनाना था, इक्विपोटेंशियल्स बनाना था। तो इस सीट पे इक्विपोटेंशियल बनाने के लिए मेरे को एक इसी तरीके की एक सीट और लेनी थी जो क्या बना रही थी, 90 डिग्री का एंगल शो कर रही थी। ये बन के आई थी इस तरीके से। तो ये इक्विपोटेंशियल्स बन के आएगी इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेज के लेकर। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर देता हूं मैं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी की पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इसका पोटेंशियल है 150 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। अब आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी इन सरफेस पर। इन सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री से पास होते हुए लाइनें गुजारी है। इन सरफेस से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे पास होते हुए लाइनें गुजारी है। ये बना लेते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे लेना है हमें। ये हमने 90 डिग्री पर लाइन उतारी। ये जो आया है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिली है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ। डायरेक्शन पोटेंशियल के घटने की डायरेक्शन जो होगी वो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये 150 है, ये 100 है, ऊपर से नीचे आने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन आएगी ये वाली। ठीक है, ये जो डायरेक्शन मिलेगी, ये डायरेक्शन आप लोगों को मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट हो रहा है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यहां पोटेंशियल है के क्यू अपोन आर, मतलब वी। यहां भी पोटेंशियल है के क्यू अपोन आर वी। इक्विपोटेंशियल है तो इस पूरी सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, एक समान रहेगा। अब मान लो यहां कोई चार्ज रखा है क्यू, यहां पर कोई चार्ज रखा है क्यू, इस क्यू चार्ज को इस पॉइंट से पोजीशन वन से पोजीशन टू तक लाने में किया गया कार्य बताइए कितना होगा। इस क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डीवी, W बाई क्यू डी वी, पोटेंशियल की डेफिनेशन। यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के तुल्य होता है। तो एक्चुअल में विद्युत विभवांतर हो गया डी वी, वर्क डन किसके ऊपर, यूनिट चार्ज के ऊपर। तो W बराबर हो गया क्यू डी वी। अब डी वी मतलब विभवांतर, पोटेंशियल का डिफरेंस। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि सम विभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी इकाई आवेश को या यूनिट चार्ज को ले जाने में किए गए कार्य का मान बताइए। सम विभव पृष्ठ पर किसी इकाई आवेश को, किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है। एक नंबर में फिर क्वेश्चन बनता है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आना है, डीवी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू बन गया क्यू डीवी। अब डीवी मतलब विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना वी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना V, डिफरेंस कितना V माइनस V, जीरो। क्यों, क्योंकि यहां पर भी पोटेंशियल है के क्यू अपोन R, अगर ये R रेडियस का है तो यहां भी पोटेंशियल आ रहा है के क्यू अपोन R। तो के क्यू अपोन R माइनस के क्यू अपोन R, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जीरो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में, जिस कारण से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से वैल्यू बन जाती है जीरो। याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक किसी चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब यहां पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर अगर हम चार्ज को लेके जाएंगे तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल्स को लेके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिन्हें आपको याद रखना है। एक पॉइंट चार्ज के कारण हमने बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आपस में बिल्कुल पैरेलल चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का रिलेशन होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोनों एक दूसरे के लिए। ये हमने लाइन चार्ज के लिए लिया, ये सीट चार्ज के कारण, सीट के कारण बनाया हमने। इस तरीके से हम अलग अलग केस में इक्विपोटेंशियल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें आप अच्छे से नोट करें, इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है।